जोशी जी, यही स्थिति आईबी के एक नौजवान के साथ हुई थी, आईबी के जवान के साथ, दिल्ली में 400 चाकू मार घाव किए गए थे, 400। इसलिए मैंने कहा तेजाब कौन सा है जो इतना अंदर तक भरा हुआ है, तो आपने उसको इतना सरलीकृत कर दिया कि अमिताभ जी अब तेजाब की क्या कहें, नफरत इन्होंने फैलाई। आपने पूरा पेंडुलम ही इधर कर दिया। नहीं, ये ठीक नहीं। बहराइच आपको भी जाना चाहिए, आपकी पार्टी को भी जाना चाहिए, राहुल जी को भी जाना चाहिए, और मैं तो हैरान हूं प्रियंका जी ने कुछ नहीं बोला अभी तक। त्रिपाठी जी, उनको भी बोलना चाहिए था कि राम गोपाल की बूढ़ी मां का चेहरा मेरे सामने आ रहा है बार बार, मैं सो नहीं पाई। सोनिया जी को भी कहना चाहिए था। नहीं, सलमान खुर्शीद ने यह तो बताया था कि जब बाटला हाउस कांड में आतंकी मारे गए तो सोनिया जी रात भर सोई नहीं, रात भर रोती रही लगातार निरंतर। लेकिन राम, नौजवान राम गोपाल की आंखें निकालने की कोशिश हुई, उसके नाखून खींचे गए, शरीर में 20 छेद कर दिए गए, इस पर ऐसा दुख दिखा नहीं त्रिपाठी जी? नहीं, भाई त्रिपाठी जी तक आवाज जा रही है? जी जी अमिताभ जी, निश्चित पर यह सबसे नशंस घटना है और इसके लिए पूरी तरह से दोषी उत्तर प्रदेश सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज बहुसंख्यक आबादी अपने सारे ऐसे इसके खिलाफ जो जुर्म हो रहे हैं उसके लिए भाजपा को जिम्मेदार मान रही है, और बहुत जल्दी 2024 में जवाब मिला तो बहुत जल्दी ये उपचुनाव में भी मिलने वाला है, आगे भी मिलने वाला है। आखिर वाकई जो आप पूछ रहे हैं, ये तेजाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है, ये जहर भारतीय जनता पार्टी भर रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में योगी आदित्यनाथ क्या इसकी जिम्मेदारी लेंगे? जो घटना हुई है बहराइच में, जो रामगोपाल की हत्या हुई है, क्या इसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी ले रहे हैं? गद्दी पर आप बैठे हैं, सत्ता की मलाई आप खाएंगे और आप जिम्मेदारी लेने के नाम पर भाग जाएंगे। अभी आपने पूरे जा रहे हैं विधायक दोनों को, त्रिपाठी जी को भी, अवधेश पांडे को भी, दोनों लोगों को रोकूंगा। बड़ी रविंद्र आ रहा हूं पथ, त्रिपाठी जी आप रुक जाइए। बड़ी हैरानी है, इससे ज्यादा हम कहां नीचे उतरेंगे? योगी की गलती, मोदी की गलती, जवाहरलाल नेहरू की गलती, इंदिरा गांधी की गलती, सब गलती बता दो, लेकिन ये मत कह देना गलती से भी मुंह से कि जिसके घर मारा गया, जिन्होंने मारा वो कौन है, उनका नाम मत ले देना मारे डर के, नहीं तो सारा खेल ही खराब हो जाएगा। जिसने नाखें निकाली उसका नाम मत लेना ना, दुनिया का किस्सा कहानी कहना लेकिन उसका नाम मत लेना। जिसने गोलियां मारी उसका नाम मत लेना, जिसने करंट लगाया उसका नाम मत लेना, जिसने गर्दन पर चाकू मारे उसका नाम मत लेना, बाकी दुनिया का नाम ले दो, ईरान से तुरान तक, जापान से हांगकांग तक, सबका नाम ले दो, लेकिन उनका नाम मत लेना डर के मारे। यही जोशी जी की पार्टी कर रही और यही कांग्रेस कर रही।
बोले ये जिम्मेदार है, एफ आई आर में फिर इन्हीं का नाम लिखवा दो, जाओ लिखवा दो ना, जिनके नाम एफ आई आर में नाम दर्ज एफ आई आर है, नामजद एफ आई आर है, उनका नाम लेने का साहस नहीं लोगों के पास। इसलिए मैंने कहा था ये पक्षपात है, ये समाज के साथ अन्याय है। आप क्यों कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, आप उनको कहिए ना कि ये है राक्षस, इनके चेहरे ये है, इतना बोलने का भी साहस नहीं। बोले दीनदयाल उपाध्याय भी जिम्मेदार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जिम्मेदार, ये सब बोल सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि चार लोग हैं जिन्होंने ये धतकर्म पाप किया है। जोशी जी, जनता की मेमोरी इतनी छोटी नहीं होती। जनता को चुनाव नहीं लड़ना, उसको चुनाव लड़ने वालों को वोट देना या नहीं देना यह फैसला करना है। बहराइच में जाकर देखिए, पीड़ा का समंदर है, समंदर। इस ऐसी घटना इतिहास में दो ही चार पांच दस बार होती है, इतनी निकृष्ट घटना। और उस पर उत्तर ये, त्रिपाठी जी ने तो गजबे कर दिया, उनने कहा ये सबके लिए जिम्मेदार भाजपा है। चलो बात खत्म, चैप्टर क्लोज, इशू क्लोज्ड। अच्छा आप उस विषय पर चर्चा ना करें, रामगोपाल के मरने पर ना, ये तो कह रहे योगी इस्तीफा दें, लेकिन ये नहीं कह रहे कि जो आतताई है उनके घर पर बुलडोजर चले चले, जमींदोज किए जाए, नस्तनामूद किए जाए, ये नहीं बोल रहा कोई। क्यों, ये बोलने में संकोच है? इन लोगों के घर बुलडोजर नहीं चलेगा तो किसके घर चलेगा? इसलिए ये जो बोलिए, इस बात को सोचकर बोलिए कि लाखों करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं मित्र, लोगों की आंख में आंसू है, एक आंख में आंसू है, एक आंख में आक्रोश है, लाल आंख में आंसू है, ये जान लीजिए, ये आक्रोश छोटा नहीं है। जोशी जी, बड़ा आक्रोश है इस घटना पर। इसीलिए मैंने कहा चुनाव आएंगे जाएंगे मित्र, लेकिन ऐसा हो सकता है ये अफगानिस्तान से भी बुरी स्थिति पैदा कर दी, इतना तेजाब क्यों? मैंने ये सवाल पूछा था कि इतना तेजाब वो चार लोग जो हैं उनके अंदर इतना तेजाब कहां से आया, तो जोशी जी और त्रिपाठी जी दोनों ने कह दिया कि तो भाजपा ही ने पैदा किया। बात खत्म, चलो जी सत्यनारायण कथा खत्म हो गई, ये तरीका ठीक नहीं। खैर रविंद्र पटेल जी, ये घटना उपचुनाव को मेरी समझ कहती है गहरे तक प्रभावित करेगी, आपकी समझ क्या कह रही है? सर आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले, सम्मानित समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं वो मेरा परीक्षण कर रहे थे, मेरे ज्ञान की जानने की चेष्टा थी कि मेरा डिग्री क्या है। तो प्रोफेसर साहब, मैं भी डबल एम ए एल एल बी हूँ और पीएचडी हूँ, मास काम में 2010 बैच का हिंदी पैटर्न से यूपी का टॉपर हूँ, ये मेरी शैक्षिक योग्यता है। और राजनीतिक योग्यता ये है कि मेरे परिवार, मेरे नाना जी चार बार विधायक रहे, मिनी बागपत कहा जाता था चुनार, मैं मिर्जापुर जिले के चुनार से आता हूँ, जाति से कुर्मी और पटेल हूँ, ये मेरी राजनीतिक और सामाजिक पहचान है। तो कम से कम मैं अपना परीक्षण कराने यहाँ नहीं बैठा हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं, ये आपका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन मैं एक रिकॉग्नाइज पार्टी का यूथ विंग का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मेरी समझ ये कहती है कि कम से कम इतनी राजनीतिक थिथरई नहीं होनी चाहिए जितनी आप लोगों के अंदर जहर भरा हुआ है ना। और जिस तरीके से आप लोग अपनी अपना आचरण प्रदर्शन कर रहे हैं, यही कारण है कि छोटे से एक उत्साह में आप 3646 करने लगे। आप ये भूल गए कि गलतियां किसी से भी कभी भी हो सकती हैं। और आपको एक लाइन में ये कहना है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं कि इस बात पे राष्ट्रीय लोकदल बहराइच की घटना का कतई समर्थन नहीं करता। अगर इसमें दोषी किसी जाति विशेष धर्म विशेष के लोग हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ये मैं अपने विचार भी कहता हूं, अपनी पार्टी की तरफ से भी कहता हूं, जहां जो क्लेरिफिकेशन देना होगा हम दे लेंगे। लेकिन न सिर्फ बहराइच में, इस घटना को जिस जिसने भी देखा
यहां मानवता समसार हो रही है, यहां मानवता समसार हो रही है, यहां कोई धर्म नहीं मर रहा। यहां उस मां के लाडले से पूछिए जिस मां ने छाती में पाल के अपने बच्चों को बड़ा किया, उससे पूछिए। और मैं ये कतई नहीं कहता कि उसे वो कहने, ये उन्माद था, आप गोली मार देते, आप मार देते, कानून अपना काम करती, लेकिन इतनी विभत्स तरीके से। और उसके बाद जो मरहम लगाया जा रहा है, जो संरक्षण दिया जा रहा है, जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा संरक्षण दिया जाता है, इससे ये मनोबल बढ़ता है। चाहे वो मुजफ्फरनगर की घटना हो, चाहे वो बहराइच की घटना हो, वो चाहे जहां भी ऐसी धार्मिक उन्माद वाले घटनाएं घटते हैं, ये जो ये विपक्ष द्वारा या सत्ता पक्ष के द्वारा जो पोषित किए जाते लोग हैं, ये जहर वहां से उनको मिलता है। कानून अपना काम करे, स्वच्छंद रूप से, निष्पक्ष भाव से करे, दोषी हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो हो, जो अगर दोषी है तो कानून अपना काम करे और उससे कदम आगे बढ़ के करे। ठीक, मैं बुलडोजर का समर्थन कभी नहीं करूंगा। रविंद्र बाबू, अभी रुकना होगा। समस्या ये है, मैं ऐसे 20 अपराध के घटनाएं बता दूं जिसमें विपक्ष के बड़े नेताओं ने ये लिख के मुक्ति नहीं पाई कि कानून अपना काम करे, हम घटना की निंदा करते ना, उनने पूरा सिजरा लिखा। वही तो मैं कह रहा हूं शुरू से, इसमें क्यों नहीं लिख रहे पूरा सिजरा, बस यही तो पूछ रहा हूं। वोट प्रभावित हो रहा है सर। मैं 20 घटनाएं बता दूं जिसमें पूरा डिटेल लिखा है, जात बिरादरी मजहब सब खोल के रख दिया है, बिल्कुल कच्चा चिट्ठा। जोशी जी, कुर्मी है कि काहिर है कि कौन है, पूरा सिजरा खोला है। आदमी मराई नहीं लिखा, ये किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ ये भी नहीं लिखा, पूरा लिखा। उसके बाप कौन है, नाना कौन है, क्या, ताकि पूरा वो आए फ्लेवर। अब इस पे सब कह रहे कानून अपना काम करे और पीड़ित को न्याय मिले। सत्यनारायण कथा खत्म हुई, घर जाओ। जोशी जी, देखिए अमिताभ जी, नफरत कहां से बोई जाती है और नफरत के को कौन मानता है, ये वो लोग हैं जो नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं, वो भी नफरत थी। ये वो लोग हैं जो किसान अपने घर नहीं जा पाए, इन्हीं के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी सत्ता के नशे में वो थार चढ़ा देने का काम करता है। यही वो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। सत्यनारायण की कथा आप कहते रहते ना अमिताभ जी, ये जो घटनाएं मैं बता रहा हूँ सत्यनारायण की कथाएं मैं सुना रहा हूँ आपको। कानपुर की माँ बेटी की आत्महत्या हो जाती है योगी सरकार में। अभी आपने देखा BHU की लड़की का रेप करने का काम होता है और बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। इसके अलावा आप देखोगे हाथरस की जो दलित बेटी है उसको भी योगी सरकार में होता है। इनके सैगर और चिमेनन जी क्या करते हो, किसी देश और प्रदेश से छुपाते हैं। नफरत जिनके DNA में हो और देश में जिनकी सत्ता है, ठीक, और जहां पर माननीय मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री संविधानिक पद को तार तार कर देते हो, ठीक है जोशी जी। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, आपने जो बात कही, क्या हम बता देंगे, हम बता देंगे, ठीक है, हम बता देंगे। आप अपनी अपनी बात रख ली, अच्छी बात है।